हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर खान। जैसा कि कल एक वीडियो हम लोगों ने देखा, इससे पहले एक लेक्चर, कि ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन, मतलब ना केवल ज्योग्राफी और जीएस सब्जेक्ट के लिए, कि कैसे हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से हमें कंपटीशन की तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट की समझ होनी चाहिए, कहाँ से हम कौन सब्जेक्ट पढ़ें। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हम समझेंगे, जो सब्जेक्ट वो हम समझेंगे ज्योग्राफी, और कंपटीशन तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग ही मेरे हिसाब से, बाकी मैं एक हिसाब से बताऊं कि ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट रहता है, अपने अपनी जगह सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज्योग्राफी की एक ऐसी समझ है कि जिससे आप सारे सब्जेक्ट को रिलेट कर सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैपिंग से, जिसमें बायलैंग्वल क्लास लगेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगी, ठीक है। और मेरा बैच ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन में अभी स्टार्ट किया कि स्टूडेंट की रिकमेंडेशन पर। तो मैं यहाँ जो स्टार्ट करने जा रहा, तो वो आज में पढ़ेंगे हम लोग एक बेसिक से आनेंगे कि विश्व के भूगोल में कि मैपिंग की क्या समझ होगी। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, विश्व महाद्वीप पीए भूगोल, वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी। इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो थोड़ा वॉकअप लिखते जाना, बाकी मैं भी यूज करूँगा। आज अभी एक दो दिन थोड़ा कम करूँगा, लेकिन फिर इसके बाद मैं वॉकअप पूरा इंग्लिश में यूज करूँगा। तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी में सबसे पहले हमें जानना है बेसिक टॉपिक में, पहला टॉपिक रहेगा हमारा एशिया, एशिया पढ़ेंगे हम, फिर हम यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और अभी एक और नया जो डिस्कवरी किया है, जो नया वाला अभी डिस्कवर हुआ है, वो है आपका ज़ीलैंडिया, जो 2008 में इसको डिस्कवर किया गया है, और वो आपका है ज़ीलैंडिया। ये 8 कॉन्टिनेंट है, आठों कॉन्टिनेंट के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एक पॉलिटिकल समझ जानेंगे, राजनीतिक मैप, फिर उसमें ज्योग्राफिकल देखेंगे। ज्योग्राफिकल देखने के साथ साथ उसमें हम स्पेशली जो देखना है हमें, और इसमें और क्या क्या चीज़ें देखना है, इतनी चीज़ें जानने के बाद कि एशिया महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ज़ीलैंडिया, ये चीज़ें जानने के बाद फिर हम स्पेशल इसमें समझेंगे कि जैसे एशिया पढ़ेंगे तो एशिया की पूरी मैपिंग समझेंगे, इसके आसपास वाटर बॉडी कौन सी है, कौन से मतलब इसके समुद्र से घिरा है, किन किन चीज़ों से घिरा है, ये सब चीज़ें जानेंगे। इसके बाद हम इसमें जो स्पेशल हमें देखना है कि यहाँ पे हम आपके पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये चीज़ें समझेंगे। कौन कौन से कंट्री इम्पोर्टेंट हैं, क्या उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने मैप के साथ में, और ये सब चीज़ें हम इसमें आगे देखेंगे। इसमें मैं स्पेशली एक टॉपिक की बात करूं, बाकी तो हमें पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन स्पेशली मैं एक टॉपिक पढ़ाता हूं जो आपका ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है, और एक इसको इकलौता ऐसा महाद्वीप है जो पूरा एक ही प्लेट पर बना हुआ है, एक ही प्लेट पर, सिंगल प्लेट है, जिसे महाद्वीप और देश दोनों की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ में जो पूरा स्पेशली जो इसके बगल के जो कंट्री हैं, जो क्वेश्चन आजकल एग्जामों में इसका पैटर्न कुछ ज़्यादा आ रहा है, जैसे कि इसमें हमें स्पेशली मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या क्या देखेंगे, तो मैं स्पेशली बता दूं अलग से कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड रहेगा, और मेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलीनेशिया, इसमें आपका न्यूजीलैंड आ जाएगा, ठीक है, माइक्रोनेशिया, ये पढ़ेंगे हम इसमें, पोलिनेशिया,
ठीक है, माइक्रोनेशिया है और आपका इसमें पोलिनेशिया है और इसमें एक है आपका मेलिनेशिया, एक इसमें स्पेशल कौन सा है, मेलानेशिया। तो इसमें एक और चीज देखेंगे हम, मेलानेशिया। इतने पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ये पूरा आइलैंड से बना हुआ है, द्वीपों का समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये सब हम जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया को डिटेल से अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, जैसे कि इसमें आसपास के जो आइलैंड आते हैं और इसी के न्यूजीलैंड वाले भाग में ही जीलैंडिया जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है जीलैंडिया, उसकी इसमें क्या की गई है, मतलब कि डिस्कवरी किया गया है और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्पेशली इस टॉपिक को। तो ये रहा टॉपिक जो हमें विश्व के महाद्वीप के भूगोल में जो एक समझ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो स्पेशल हमें समझना है। तो जैसे हमने मैंने बताया कि इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो हमें पढ़ना है, न्यूजीलैंड स्पेशली पढ़ेंगे हम यहाँ पे, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ये कंट्री ऐसे यहाँ से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये थोड़े से ये वाला भाग बहुत ज़्यादा टफ कहलाता है एग्जामों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंटों का फोकस नहीं जाता इस वाले एरिया पे कि इसमें से हमें कितना देखना है कितना नहीं देखना। और यहाँ पे बहुत सारे द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं और ज्वालामुखी द्वीप है, वो मुगा चट्टानों से बने हैं सारे, ज़्यादातर द्वीप ज्वालामुखी और मुगा चट्टानों से बने हुए हैं। हम डिस्कस करेंगे कि मुगा चट्टान क्या और ज्वालामुखी से कैसे बने, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हम ये सब समझेंगे। इम्पोर्टेंट इसमें मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी आपका जो सिलेबस है विश्व महाद्वीप भूगोल, जो भूगोल की एक अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए, तो आपको मतलब जो विश्व मैपिंग की समझ के उस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसमें चार आपके वो आएंगे, यानी कि फोर आपके ओशियन है, बेसिकली पाँच, फोर ओशियन है बेसिकली। अभी अंटार्कटिका वाला भाग आएगा, नीचे अंटार्कटिका है, इसके नीचे जो एक कॉन्टिनेंट भी है और एक ओशियन की भी संज्ञा देते हैं, लेकिन बेसिकली उससे इतना ज़्यादा नहीं रहता इम्पोर्टेंट। लेकिन हमें चार जो पढ़ने हैं, वो आपका पहला रहेगा पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन, और आपका आएगा एटलांटिक, ओशियन आएगा इंडियन, और फिर चौथा आएगा आर्कटिक। आर्कटिक ओशियन, ये हम चार इसमें स्पेशली समझेंगे। ओशियन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये वाला टॉपिक हम स्पेशली समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बेसिकली जिस प्रकार से सातों ये आठों महाद्वीप के बारे में बताऊँ, लेकिन जीलैंडिया में कुछ इतना कोई डाटा नहीं है, बाकी इसमें समझ लेंगे कि जीलैंडिया की संज्ञा दी क्यों, एक महाद्वीप की शर्तें क्या होती हैं पूरी होने के लिए, महाद्वीप की शर्तें क्या होती हैं बनने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ स्पेशली हमें, तो महाद्वीप की एक शर्तें क्या होती है बनाने के लिए, तो वो हम समझ लेंगे कि महाद्वीप है जैसे जीलैंडिया, तो इसको क्यों कहा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या नाम देते हैं, सारे साइंटिस्टों ने मिलकर इसे महाद्वीप की संज्ञा क्या दी, क्या क्या शर्तें पूरी करता है, तो वो भी हम समझेंगे। ये चार महासागरों में, जैसे कि आपका प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ये हम सब समझेंगे इसको, ठीक है। बाकी मैं बोला कि अभी लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाना जो मैं बोल रहा हूँ उसको, क्योंकि सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है लिखना है यहाँ, कि मैं फैक्ट भी लिखूँ कॉन्सेप्ट भी बताऊँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको ये चीज़ यहाँ ध्यान देनी है स्पेशली, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, ये रहा आपका सिलेबस, ये अलग से लिख लेना अलग से नोटबुक में, ये चीज़ें आपको शो करनी है कि ये पढ़ेंगे हम। और आज हम चलते हैं स्पेशल हम टॉपिक पे, और हम आते हैं वर्ल्ड की मैपिंग पे। ये रहा आपका सिलेबस जो आप लोगों ने लिख लिया होगा, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। मैपिंग पे बताऊंगा कि कौन चीज़ कौन सा क्या है, चलो। तो देखिए, ये आपका जो देख रहे हैं किनारे पे, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा, ये आपका है उत्तर अमेरिका, क्या नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, ये महाद्वीप है उत्तर अमेरिका। ये नीचे है जो आपका, ये आपका साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका, ठीक।
इसके बाद आप ये वाला देख रहे हैं, ये अफ्रीका है आपका, ये वाला क्या है आपका, अफ्रीका है। ये वाला हिस्सा यूरोप कहलाता, और ये आपका एशिया, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका न्यूजीलैंड। जो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसी के ये वाला जो पार्ट दिया है, ये वाला इसी वाले भाग को जीलैंडिया की संज्ञा दी गई है, तो ये भी हम समझेंगे। अरे हमारा इंडिया हो गया। ये है बेसिकली 7 महाद्वीप है, मतलब एक 8वां जीलैंडिया है ऑस्ट्रेलिया के बगल से। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करूँ मैं महाद्वीप होगी, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया। सेकंड नंबर पे जो आता है वो आपका अफ्रीका है, और थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे आपका साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे आपका अंटार्कटिका, यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो है आपका अंटार्कटिका है। यहाँ आप बेसिकली लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना अंटार्कटिका महाद्वीप, नीचे अंटार्कटिका है 5वें नंबर पे। छठवें पर आपका यूरोप आएगा, 7वें पर ऑस्ट्रेलिया है, और 8वें पे आपका जीलैंडिया आ जाएगा। तो ये रहा आपका मैपिंग के, मतलब उसके हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से। अब मैं आता हूँ इसमें आगे कि इसमें बेसिकली ओशियन बता दूँ कि कौन ओशियन कहाँ पड़ता है। तो ये जो हिस्सा दिख रहा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो जो हिस्सा है ये वाला इंडियन ओशियन, मतलब कि हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर, इसी को बोलते हैं इंडियन ओशियन, ठीक है। अब आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये ऊपर अलास्का है जो यूएसए के कंट्रोल में, मतलब यूएसए का 49वां राज्य है, स्टेट है, और जो नॉर्थ अमेरिका का भाग है। किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका का भाग है, और स्पेशली जो कब्जा इसके ऊपर है वो अमेरिका का है। तो ये वाला जो हिस्सा कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा पूर्वी प्रशांत महासागर, और वो वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पैसिफिक ओशियन आएगा, क्या आएगा? प्रशांत महासागर आएगा, ये वाला पैसिफिक ओशियन, ओशियन कहलाएगा, ठीक है। तो एक और दो इधर आपका, अगर ऊपर मैं बता दूं, ऊपर जो आएगा यहाँ पे रसिया के ऊपर वाले भाग में, ये वाला यहाँ पे आएगा आपका आर्कटिक महासागर। क्या आएगा? आर्कटिक महासागर, मतलब आर्कटिक ओशियन, ठीक है। फिर हम आते हैं वही उस तरफ, वही इस तरफ भी, मतलब कि आपका पैसिफिक ओशियन आ जाएगा इधर पर भी, प्रशांत महासागर। फिर आप यहां पे देखिए कि यहां पे आपको मिलेगा एटलांटिक ओशियन, एटलांटिक महासागर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, बस यहीं पे क्वेश्चन पुटअप होना हो जाते हैं कि क्वेश्चन बनते कैसे। इम्पोर्टेंट तो यही है कि क्वेश्चन पूछेगा कैसे। देखिए आप यहाँ पे, अभी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई है कि कौन चीज़ कहाँ है। वो क्वेश्चन सीधा पूछेगा आपसे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर है, या कौन सा वाटर बॉडी है जो इन दोनों को जोड़ती है और अलग करती है। तो आपका कौन सा है? इंडियन ओशियन। क्वेश्चन होगा नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, ऐसा पूछ देगा, उत्तर अमेरिका या साउथ अमेरिका के बीच में, या अफ्रीका के बीच में कौन सी वाटर बॉडी, तो एटलांटिक महासागर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन का यहाँ पे पूछने का तरीका है ना, एकदम मैपिंग से। आजकल जो स्पेशली यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, जितने भी, चाहे सीडीएस हो, एनडीओ, असिस्टेंट कमांडेंट हो, आईएएस हो, एक्स वाई जेड, और भी एग्जाम्स हैं, चाहे स्टेट सिविल सर्विस हो, तो आजकल एग्जामों में कुछ अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो आपको ये तो पहले बेसिकली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें हमें देखना क्या है। तो ये आपने एक बेसिक जाना कि अभी महाद्वीप कितने हैं और ओशियन चार हैं, जिनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, पूरी एक बॉडी पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। फिर इनके बारे में बहुत, मैं अभी यहाँ पे कोई आपको भौतिक भूगोल नहीं पढ़ाने वाला कि बिग बैंग थ्योरी या विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर का,
या फिर महाद्वीपीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये सब चीज़ें अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। पहले चाहता हूँ कि आप पहले एक मैपिंग सीख लो यहाँ पे, जो आपकी मैपिंग होगी स्पेशली, तो जब आपकी मैपिंग आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे स्पेशल, कि मैपिंग का मतलब ये रहा कि आपको मानचित्र की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, तो चीज़ें फिर आपको समझने में और आसानी होगी। और यही आपको करना है यहाँ पे। जैसे अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया बेसिक बेसिक है क्या, इम्पोर्टेंट क्या है, कि आज मैं जो आपको बताऊँगा कि यही बताऊँगा कि मैपिंग में आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे चीज़ें देखनी है, कितना आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, इम्पोर्टेंट बस वही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपके आगे, थोड़ा सा चलता हूँ आपके साथ, ठीक है, आगे जाता हूँ मैं आपके साथ। ये आपने देखा कि चार ओशियन हैं, सात कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप देखे, इनके हम एक एक चीज़ एक एक टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका अलग से पढ़ेंगे, साउथ अमेरिका अलग से पढ़ेंगे, ये चीज़ें हम स्पेशल अलग से देखेंगे। अब हमें इसमें जो देखना है कि स्पेशली अब हम इसमें और क्या चीज़ें देख सकते, क्या क्या चीज़ें एग्जाम के हिसाब से रिवेलेंट हो सकती हैं, इंपोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, जिसमें और आपको नाम बता दूँ बेसिकली बेसिकली। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका जो बीच में जो हिस्सा दिखा रहा है, ये आपका कहलाएगा मेडिटेरियन सी, किसे बोल इसे बोलेंगे भूमध्य सागर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मेडिटेरियन सी, क्या है भूमध्य सागर। क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में या कौन सी वाटर बॉडी है जो अलग करती है, या कौन सी जल संधि है, या कौन सा जल वाला भाग है जिनको अलग करता है, या कौन सा है जो जोड़ता है, तो वो आपका है भूमध्य सागर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे पोर्शन देखोगे, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है, ये आप नीचे आओगे यहाँ पे रेड सी है, क्या है यहाँ पे रेड सी, इसी को लाल सागर बोलते, ठीक है। यहाँ पे इस वाले हिस्से पे अदन, गल्फ ऑफ अदन मतलब अदन की खाड़ी, अदन खाड़ी, मैं आज वाटर बॉडी बताऊंगा बस। और ये जो बीच में हिस्सा है, ये वाला है ऐसे करके, ये वाला जो हिस्सा है बीच में, इसे बोलते हैं बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब, देखिए। क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा कि आपका रेड सी और अदन की खाड़ी को कौन सी जलसंधि है जो जोड़ती है, तो कौन सी जलसंधि है आपकी, बाबल मंडेप है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो भाग ये वाला हिस्सा, इम्पोर्टेंट ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा, ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है मैंने जो बनाया बीच में स्पेशली, इसकी बात कर रहा, ये यहाँ पे जो कंट्री है ये वाला, इतना वाला हिस्सा ये मिस्र है, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते, और ये जो हिस्सा है इसको कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, क्या बोलते हैं इसको सिनाई प्रायद्वीप, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको सिनाई पेनिनसुला, क्या बोलेंगे इंग्लिश में सिनाई पेनिनसुला बोलेंगे। इसी वाले भाग को काट करके, इस भाग को क्या किया गया, काटा गया है, और यहीं से एक नहर निकाली गई है किनारे किनारे से ये वाली, और इस नहर बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस नहर का नाम है स्वेज नहर। कौन सी नहर है, स्वेज नहर, स्वेज कैनाल है, और ये 1869 में ये कंप्लीट हो गई थी और ये खोल दिया गया था, और ये अपने जो जल मार्ग है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि यूरोप से कोई अगर जहाज आता था या कोई व्यापारिक यात्री आता था तो पूरा अफ्रीका को घेर करके आता था, जो इसमें काफ़ी टाइम चला जाता था हमारा, एक अप्रोक्स में बताऊँ, ऐसा कोई कंफर्म डाटा तो है नहीं, मान लीजिए 6 महीने लगता था, लेकिन जब से ये स्वेज नहर तैयार हो गई, तो ये तैयार हुई आपकी स्वेज नहर, यहाँ पे मैं लिखे देता डाटा, स्वेज नहर, इसका काम स्टार्ट हुआ था 1859 में, बर्किस्टा कंस्ट्रक्शन का काम मतलब प्रारंभ हुआ था, लेकिन कंप्लीट हुई 1869, मतलब कि 10 साल इसको कंप्लीट होने में लग गए, 10 साल में ये बनी, और यहाँ से जो इतना मार्ग तय कर कर के जो लोग आते थे व्यापारी, जो ब्रिटिशर थे, पुर्तगीज थे, या डच थे, फ्रेंच थे, जो आते थे इतना इंडिया व्यापार करने के लिए, अभी इनको कितना कम टाइम में इंडिया आने लगे, मतलब कि सीधा सीधा 4 महीने का टाइम बच गया, सिर्फ इससे सिर्फ 2 महीने का, यहाँ से सीधा लिया एंट्री इनने, ये पुर्तगाल है यहाँ पे, ये पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है, ये वाला है, ये पुर्तगाल है, ये यहाँ पे
स्पेन है, यहाँ से अभी ऐसे घूम करके ये लोग आते थे, क्योंकि जब वास्को डी गामा भी आया था यहाँ से तो इस प्रकार से आया था पूरा ये घेर कर, और यहाँ से सीधा पहुँचा सऊदी अरब, और सऊदी अरब से फिर यहाँ पहुँचा अपना सीधा इंडिया नीचे वाले भाग में। तो यहाँ पे हमें, मैं बता रहा कि स्वेज नहर के बारे में, कि यहाँ पे जो आया वास्को डी गामा सीधा यहाँ आ गया अपने इंडिया में। तो आपको यहाँ पे मैं जो एक मैं अभी पढ़ा नहीं रहा सब्जेक्ट, मैं पहले बोला मैं सब्जेक्ट को आपको समझ सिखाऊंगा नजरिया, कि देखना आपको कौन पोर्शन है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यहाँ से जो बनते, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ जो कंट्री है यहाँ पे, कि कौन कौन से कंट्री है जिनका भाग भूमध्य सागर से लगता है, यूरोप के कौन कौन से कंट्री है जिनका भाग भूमध्य सागर से लगता है, लाल सागर से लगता है। तो आप देखिए कि एक स्वेज नहर का पार्ट और बन गया, वो सीधा पूछेगा आपसे कि स्वेज नहर किन किन भाग को जोड़ता है, तो रेड सागर मतलब कि लाल सागर और भूमध्य सागर, रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है, तो ये आपका भाग इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो पूछने का इसका तरीका है, कैसे पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, ये सब चीज़ें हमें देखनी है। वही बात आप कहीं पर भी देख लीजिए, किसी भी पोर्शन पे, मैं इसी पोर्शन की बात ना करूँ, आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ बाल्टिक सागर है, ये सब मैं चीज़ें आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। मैं आज आपको एक चीज़ जो बताना चाहता था यहाँ, कि मैप में हमें देखना क्या है, कितना चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, कौन पोर्शन इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के हिसाब से। बाकी अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका ब्रिटेन है, ये आपका आइसलैंड हो गया, ये ग्रीनलैंड है जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, ये उत्तर अमेरिका है मतलब उत्तर अमेरिका पूरा महाद्वीप है, आपका कनाडा रहेगा, यहाँ पे यूएसए है, और ये आपका ये मैक्सिको है, ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया है, ये दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में 13 कंट्री है, मैं ये चीज़ें पूरा डिस्कस करूँगा, ये पूरा ब्राज़ील है, इसका सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है, ये भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और ये जो जुड़ता है पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ता है, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जो जोड़ा जाता है वो आपका जोड़ा जाता है पनामा स्थल संधि से। फिर मैं बात करूँ ये मेडागास्कर है, जो एक समय पे अफ्रीका का कभी भाग हुआ करता था, तो इसका भाग है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके, ये एशिया है। ऐसे आप यहाँ पे देखो कि रसिया जो, ये जो रूस है, ये जो आपका यहाँ पे रूस कंट्री है ऊपर, जो यूएसए मतलब उत्तर अमेरिका से जुड़ा है, यहाँ पे क्या है जुड़ा हुआ है, और जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है बेरिंग जल संधि से, किससे जुड़ा हुआ है, बेरिंग जल संधि द्वारा, बेरिंग जल संधि द्वारा जुड़ा है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक एक इम्पोर्टेंट। तो यहाँ मैं आज बताने का मेरा जो पर्पज़ था यही था आपको, कि कैसे पढ़ना है सब्जेक्ट की, कैसी समझ चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ टॉपिक बाई टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक एक चीज़ करेंगे। ये तो मैंने एक हल्का सा ओवरव्यू दे रहा, अभी पढ़ा नहीं रहा मैं टॉपिक को, नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे डिटेल से, साउथ अमेरिका पढ़ेंगे, अफ्रीका पढ़ेंगे, एक एक चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे। ये हल्का ओवरव्यू था मेरा, अभी और आगे आएंगे, मैं आगे कंटिन्यू लगाऊंगा, देखते हैं फिर आप लोग कब तक रहते मेरे साथ, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन देना चाहता, हम बहुत जल्दी CDS और असिस्टेंट कमांडेंट UPSC PSC के लिए साइंस के लेक्चर भी स्टार्ट होने वाले हैं, और जो टीचर आने वाले हैं वो, उन्हें 25 साल का एक्सपीरियंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, और एक प्रोफेसर हैं वो, और MSc बॉटनी से हैं सर, आएंगे तो जल्दी से जल्दी आपके साइंस के लेक्चर भी स्टार्ट होंगे यहाँ पे, आपको ज़्यादातर लेक्चर स्टार्ट मिल जाएंगे आपको, ज़्यादातर एग्ज़ाम को सिविल सर्विस और डिफेंस के एग्ज़ाम को फोकस किया जाएगा, बाकी सारे एग्ज़ाम्स देखे जाएंगे। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।